गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड के लिए मैं व्याकरण में आज एक चैप्टर लिख रहा हूँ, पर मैं अभी आपको नहीं बताने वाली हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। चलो ठीक है, हम कुछ बातें करते हैं। आप अगर क्लासरूम में भी होते तो मैं आपको इसी तरह से पहले पूछती, फिर आप मुझे आंसर करते। तो अगर मैं पूछूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ तो आप बोलोगे मैडम पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मम्मी घर में क्या कर रही है, अगर मम्मी खाना बना रही है तो बोलोगे खाना बना रही हूँ। मैं पूछूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो तो बोलेंगे मैडम हम पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे क्या बता रहे हो ये सब, मैं जो पूछ रही हूँ या मतलब मैं जो प्रश्न कर रही हूँ उनके सब आप मुझे जवाब दे रहे हो। तो मेरे सारे प्रश्नों में मुझे क्या पता चल रहा है, मैडम के बारे में क्या पता चला कि मैडम क्या कर रही है, पढ़ाने का काम, मम्मी खाना बनाने का काम, आप सब पढ़ने का काम। चिड़िया को देखेंगे तो पूछेंगे चिड़िया का क्या काम है, तो आप बोलेंगे मैडम चिड़िया उड़ती है, चहचहाती है, बिल्कुल ठीक। अगर मैं पूछूंगी कि स्कूल चालू होता तो फिर आप यहाँ आकर पढ़ते, तो स्कूल जाना, तो जाना भी मतलब एक काम, तो बिल्कुल ठीक पहचाना। आज मैं आपको पार्ट 9 व्याकरण बुक का पार्ट 9 क्रिया, जिसको आप वर्ब के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, आपने पढ़ा भी है कि काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब काम कुछ भी हो सकता है, खेलना, रोना, हंसना, सोना, ये सब हमारे काम होते हैं। ठीक है, अब जैसे सुबह सुबह पेपर आता है तो हम क्या करते हैं, पेपर को पढ़ने का काम करते हैं। अगर हम शहर पे जा रहे हैं तो काम क्या कर रहे हैं, टहलने का, घूमने का। फिर अगर आप दौड़ लगा रहे हैं तो काम कौन सा करा आपने, दौड़ लगाने का। तितलियां काम क्या करती है, तितली भौरे काम, उड़ने का, जैसे मैंने बताया था चिड़िया का काम उड़ने का। ठीक उसी तरह से अब आपने पढ़ना, टहलना, खेलना, दौड़ना, उड़ना, ये सब क्या है, ये आपको बता रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। तो जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हीं शब्दों को व्याकरण में क्रिया कहते हैं। तो सिंपल वे में जैसे मैंने बताया था संज्ञा मतलब नाम, तो उसी तरह हमको याद रखना पड़ेगा क्रिया मतलब काम। ठीक है, जिसको हम वर्ब के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको आगे इसकी और डिटेल में डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो। चलिए कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रिया, जिसको आप वर्ब के नाम से जानते हैं। और व्याकरण में इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, बोध मतलब पता चले या मालूम हो, उसके बारे में जानकारी, उन्हें क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैंने जैसे लिया सोना, रोना, तोड़ना, उड़ना, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो इसी तरह से अब हमने पढ़ा दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो काम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ तीन शब्द हुए क्रिया के। अब हमें ध्यान रखना है कि क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है, क्रिया दो शब्द की भी हो सकती है, और दो से ज्यादा तीन की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह बच्चे खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं तीनों शब्द क्रिया के। अभी हम थर्ड क्लास में हैं तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि क्रिया मतलब काम होता है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की स्टेप्स आएंगी, क्रिया के भेद आएंगे, क्रिया को पहचानना आएगा, है ना। अब देखो पढ़ाने का मैं फिर भी आपको एक समझाऊंगी अभी से, तो हमें याद रहेगा पढ़ाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मैडम के द्वारा यानी मेरे द्वारा। तो मैं जो हूँ कर्ता कहलाती हूँ और काम कर रही हूँ पढ़ाने का, और पढ़ा क्या रही हूँ, हिंदी की बुक, तो हिंदी हो गया मेरा कर्म, है ना, और पढ़ाना हो गया मेरी क्रिया। तो इसी तरह से क्रिया एक से ज्यादा भी शब्द की हो सकती है, जैसे वह चला गया, अब चला और गया ये दोनों शब्द क्रिया में हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ, अब इसमें तीन शब्द हो गए क्रिया में, जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह वाक्य में क्रिया एक से अधिक शब्दों की हो सकती है, और क्रिया शब्द अधिकतर वाक्य के अंत में लगता है, यानी आखिरी में लगता है जब वाक्य हमारा पूर्ण होकर खत्म होने वाला होता है। इसी तरह आम बोलचाल की भाषा में हम अनेक क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, और इन्हीं प्रयोग के कई रूप होते हैं। अब जैसे कई रूप कैसे होंगे, जैसे जाना, गया और गई,
जाएगी और जाएंगे, इस तरीके का चार्ट आपकी बुक में पूरा दिया है, जिसे आप घर पर अच्छे से रीड करेंगे। अब मैं जाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी कि मैं अभी जाऊंगी, वो सब गए, हम सब जाएंगे, तो मतलब क्रिया वाक्य के अनुरूप बदलती रहती है, क्रिया लिंग के अनुरूप भी बदलेगी ना, जेंडर के हिसाब से, स्त्रीलिंग होगा तो जा रहे हैं, पुल्लिंग होगा तो जा रहे हैं। तो ये अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि क्रिया भी शब्द होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है, जिसको आपने वर्ब के नाम से, एक्शन वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, एक्शन से पहचाने जाते हैं कि खेलना, अगर पिक्चर दिया रहता है, अब जैसे मैं कहूंगी कि आप इस बुक में देखकर पहचान कि क्या क्रिया हो रही है, तो आप कैसे बोलोगे, पिक्चर देख के पता चल जाएगा कि दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं, दादी जी घूमने जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तितलियां उड़ रही है, ये हमारे एक्शन वर्ड भी कहलाते हैं इंग्लिश में और वर्ब कहलाते हैं, और हिंदी में इसी को क्रिया के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको याद रखने के लिए क्या बोला, संज्ञा मतलब नाम, तो क्रिया मतलब काम, क्या याद रखेंगे, क्रिया मतलब काम, पता चलेगा क्या काम हो रहा है, जैसा मैं पढ़ाने का कर रही हूँ अभी मोबाइल के द्वारा, आप उसे देख कर सुनने का काम कर रहे हो, तो देखना और सुनना दोनों ही क्रिया होगा, ठीक है। यहाँ हमारा शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा छोटा सा क्रिया का चैप्टर खत्म होता है, जिसमें आपको याद रखना है कि क्रिया किसे कहा जाता है, क्रिया मतलब काम होता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें लिंक ओपन करके, तो आपको सुनने से याद आ जाए, और देख लेंगे दो सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह आज हमारा क्रिया चैप्टर यहाँ पर व्याकरण का खत्म होता है। इसके पहले मैं आपको विशेषण का लिंक भेज चुकी हूँ, अब मैं बहुत जल्द क्रिया का भेजूंगी, इसके साथ इसका पीडीएफ भेजूंगी, जिसको आप अपनी व्याकरण कॉपी में पूरा करेंगे। बुक वर्क भी आपको कॉपी में लिखना होता है, जो यहाँ बुक वर्क दिया है, जैसे क्रिया की परिभाषा, पांच क्रिया शब्द, जोड़ी जमा है, और सही उत्तर चुनो, ये सब आपको बुक कॉपी बुक में भी फिलअप करना है और बुक से देखकर कॉपी में भी कंप्लीट करना है। अब हम बहुत जल्दी आपके नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए घर पर रह के अपना पढ़ाई जारी रखेंगे, और बाय।